की युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है ड्रग्स से। वो हमारे नेबर स्टेट से ये ड्रग्स का संचालन किया जा रहा है। राज्य के अंदर ललित पाटिल जैसे बड़े माफिया को संरक्षण मिल रहा है, उनको पलायन करने के लिए मदद मिलती है और उसके कार्रवाई में सरकार की कोई गंभीरता नहीं दिखती, सरकार सीरियस नहीं दिखता है। और ये सब जो ड्रग्स का अड्डा महाराष्ट्र बन चुका है, ये सरकार पुरस्कृत है। इनमें पूरे के पूरे मंत्री, अनेक बहुत सारे मंत्री इसमें शामिल है, उनके नाम सामने आ रहे। आज नासिक में जो अड्डा चलाया जा रहा है उसमें गुजरात से दो हेलीकॉप्टर लेकर आके ये अड्डा चलाया जाता है और उनके ही माध्यम से अरबों रुपया इस माध्यम से वसूल किया जाता है और सरकार के प्रतिनिधि, सरकार के मंत्री वसूल करते हैं, इनका पूरा वरदस्त है। तो ये सब हांडापुर करने के लिए हमने बहुत कोशिश की और यह सरकार को उनको संरक्षण ही देना है, कार्रवाई करनी नहीं है। जब तक कार्रवाई नहीं होती है हमारी मांग जारी रहेगी। आज पूरा महाराष्ट्र की युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है ड्रग्स से। वो हमारे नेबर स्टेट से ये ड्रग्स का संचालन किया जा रहा है। राज्य के अंदर ललित पाटिल जैसे बड़े माफिया को संरक्षण मिल रहा है, उनको पलायन करने के लिए मदद मिलती है और उसके कार्रवाई में सरकार की कोई गंभीरता नहीं दिखती, सरकार सीरियस नहीं दिखता है। और ये सब जो ड्रग्स का अड्डा महाराष्ट्र बन चुका है, ये सरकार पुरस्कृत है। इनमें पूरे के पूरे मंत्री, अनेक बहुत सारे मंत्री इसमें शामिल है, उनके नाम सामने आ रहे। आज नासिक में जो अड्डा चलाया जा रहा है उसमें गुजरात से दो हेलीकॉप्टर लेकर आके ये अड्डा चलाया जाता है और उनके ही माध्यम से अरबों रुपया इस माध्यम से वसूल किया जाता है और सरकार के प्रतिनिधि, सरकार के मंत्री वसूल करते हैं, इनका पूरा वरदस्त है। तो ये सब हांडापुर करने के लिए हमने बहुत कोशिश की और यह सरकार को उनको संरक्षण ही देना है, कार्रवाई करनी नहीं है। जब तक कार्रवाई नहीं होती है हमारी मांग जारी रहेगी।